अब खबरें विस्तार से। परसोडी थाना इलाके के शंकरपुर स्थित उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक से चार हथियारबंद लुटेरों ने 2 लाख लूटने के अलावा ग्राहकों के मोबाइल पर्स भी लूट लिया। घटना मंगलवार दिन के करीब 11 बजे की है। अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है इस घटना से अंदाजा लगाया जा सकता है। चार हथियारबंद अपराधियों ने बंदूक की नोक पर बैंक कर्मियों और ग्राहकों को रखकर लूट की घटना को अंजाम दिया। सभी लुटेरे मुंह में कपड़े बांध रखे थे। लुटेरों ने लगभग 2 लाख लूट लिए, साथ ही कई ग्राहकों के मोबाइल और पर्स भी छीन लिया। सूचना पाकर नगर पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पहुंचे और जांच में जुट गए। और जो हुआ, सारे क्लाइंट थे, कस्टमर था, उनको उनसे हाथापाई किया लोग। उसके बाद इस रूम में हमारे साथ गन पॉइंट पर हमको लिया लोग, और कैशियर साहब थे इधर, उनको गन पॉइंट पर लिया लोग, चार लोग। इस घटना में सबसे आश्चर्यजनक पहलू ये है कि बैंक में न तो कोई सुरक्षा गार्ड है और न ही कोई सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जो बैंक की कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। परसोडी थाना क्षेत्र में मकदमपुर एरिया में कॉलोनी में एक घर में बैंक चलती है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसी से पैसों को लेकर जाने की घटना कारित हुई है। उसमें हम लोग अभी जाँच कर रहे हैं, प्राइमरी लेवल पे यहाँ सारी टीम लगी हुई है, जाँच कर रहे हैं कैसे क्या हो उसकी जाँच कर रहे हैं। ऐसा इनके द्वारा बताया गया है, कुल 1,99,180 रुपये ले जाने की बात बताई गई। 23 मई को होने वाले मतगणना से पूर्व मंगलवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी व अन्य अधिकारियों ने एक ट्रायल लिया और सुरक्षा संबंधित व्यापक इंतजाम का जायजा लिया। मंगलवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी अमित कुमार ने मतगणना कक्ष का निरीक्षण किया और सभी इंतजामों का जायजा लिया। उन्होंने बाद में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, साथ ही ग्राउंड वाइज रिले की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही मतगणना का अपडेट लगातार हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से होता रहेगा। आज यहाँ पर काउंटिंग के लिए ड्राई रन जो है वो किया गया है, सफलतापूर्वक जो है वो कर लिया गया है, और सारी व्यवस्थाएं जो है वो मतगणना के लिए आवश्यक तैयारियां जो है वो जिला प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई। यहाँ पर तमाम सिक्योरिटी एवं अन्य जो सुविधाएं हैं वो पहले से ही जो है वो है। कम्युनिकेशन के लिए जो सेटअप है वो तैयार किया जा चुका है। मीडिया रूम जो है वो बनेगा, ताकि मीडिया के जो साथी हैं वो यहाँ पर रह करके पल पल का जो है वो खबर रख सकें और डिफरेंट जगहों पर उनको जो है वो स्प्रेड कर सकें। इसके साथ साथ हम लोग रिले की भी व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि राउंड वाइज जो है वो ये रिले के माध्यम से जो है वो जानकारी मिलेगी। शहर में झारखंड चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा भूतपूर्व सैनिक सतेंद्र सिंह और उनके पुत्र के खिलाफ शिकायत पत्र पुलिस कप्तान को सौंपी गई। उन्होंने पत्र में कहा है कि भूतपूर्व सैनिक सतेंद्र सिंह और उनके पुत्र जितेश सिंह सदर अस्पताल के पास निवास करते हैं और उनके द्वारा बराबर डॉक्टरों और स्टाफ से बदसलूकी की जाती है, साथ ही कार्यों में हस्तक्षेप की जाती है। उन्होंने कई कार्रवाई की मांग की है। आज हम लोग आईए में झांसा और चिकित्सा कर्मचारी संघ सबों की ओर से एक सिरफिरा व्यक्ति जो कि चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों के विरुद्ध हमेशा झूठा झूठा आरोप लगाता है और उसको परेशान कर रहा है, कार्य करने में परेशानी कर रही है, सरकारी काम में बाधा डाल रहा है, उसको लेकर के हम लोग जैसे SSP साहब से और उपायुक्त महोदय से मिले और उसके ऊपर उचित कार्रवाई के लिए हम लोग डिमांड किए हैं। उनका कहना है कि जो उन सवेरे से ड्यूटी में वहीं पर खड़े हो जाते हैं और अनावश्यक जो सो चिकित्सकों और कर्मचारियों को परेशान करते रहते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 28वीं पुण्यतिथि पर शहर के कांग्रेसियों ने उन्हें याद किया। बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में इस दौरान एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष विजय खान समेत अन्य मौजूद थे। सभी ने स्वर्गीय राजीव गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया और उनके आदर्शों पर चलने का प्रण लिया। मानगो क्षेत्र अभी भी जाम की समस्या से उबर नहीं पाया है। मंगलवार को मानगो पुल से डिमना चौक तक घंटों जाम रहा और लोग वाहनों में फंसे रहे। ये नजारा है मानगो पुल का। यहाँ ऐसा जाम लगा कि करीब 2.5 घंटे तक वाहन रिंग कर चलते रहे और लोग परेशान रहे।
जाम इतना लंबा रहा कि मांगो पुल से लेकर डिमना चौक तक वाहनों की कतार लगी रही। बताया जा रहा है कि पुल के बीच एक साथ 3 वाहन खराब हो गए, जो जाम लगने की मुख्य वजह था। ट्रैफिक पुलिस इन खराब वाहनों को हटाने की कोई व्यवस्था नहीं कर पाई। पूरा डिमना चौक तक पूरा जाम है। पिछले 1 घंटे से बस में बैठी हुई थी, अब वापस वहां से मैं पैदल चल करके आ रही हूँ डिमना चौक से लेकर के आपका मानगो गोल चक्कर तक, बस स्टैंड गोल चक्कर तक। तो क्या कहना चाहते हैं आप? अभी की ट्रैफिक व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है। और एक मैंने ये कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क तो बंद करा दिए हैं, पर जितना ये खोद के रखा है उसको तो हम लोग भरा नहीं सकते, बस यही है। लोकतंत्र का महापर्व अपने अंतिम पड़ाव पर है और 23 मई को जनादेश सबके सामने होगा। हालांकि अब तक आए एग्जिट पोल के नतीजों पर जाएं तो एनडीए को बहुमत मिल रहा है। क्या यूपीए वाले भी ऐसा मानते हैं, आइए जानते हैं। बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय खान ने मीडिया से मुखातिब होते हुए एग्जिट पोल को नकारते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के वक्त भी एग्जिट पोल पूरी तरह गलत साबित हुआ था। कि तीनों राज्यों में भाजपा को पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। हुआ क्या? हुआ कांग्रेस की सरकार बने तीनों राज्यों में। मैं एग्जिट पोल पर बहुत ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन इतना जानते हैं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 24 तारीख को, 23 तारीख के बाद 24 तारीख को राहुल गांधी के नेतृत्व में इस देश में सरकार बनने जा रही है और एक ऐसी सरकार बनेगी जो सबको, हर धर्म हर जाति के लोगों को लेकर चलने की क्षमता और हुनर होगी। कमलपुर में जेवीएम नेता अभय सिंह के भाई निर्भय सिंह के क्रशर प्लांट में तोड़फोड़ की शिकायत पुलिस कप्तान से की गई है। अभय सिंह ने बताया कि एनओसी नहीं मिलने के कारण पिछले 5 वर्षों से क्रशर प्लांट बंद पड़ा है। बिना किसी पूर्व सूचना के माइनिंग अफसर ने उसे तोड़फोड़ डाला है, जो एक साजिश है। कि मैं आरक्षी अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक एसएसपी साहब से मिलने आया था कल कमलपुर के बनकुचिया में। अंचल अधिकारी के अधिकारी थे और डीएमओ डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर थे। उन्होंने जाकर के बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए हुए वहाँ लगे हुए क्रशर प्लांट को तोड़ दिए और वे स्वीकार भी किए कि हमने आंशिक तोड़ा है। हमने जब टेलीफोन किया उनसे कि आपने हमारे छोटे भाई के क्रशर प्लांट में गए और तोड़फोड़ क्यों किए, तो उन्होंने कहा कि अवैध क्रशर प्लांट लगा था। हमने कहा कि अवैध था कि वैध था? आप हमको नोटिस दिए या कारण बताओ नोटिस आपने देखा, कागज देखा, पत्थर देखा या अवैध रूप से देखा? तो उन्होंने कहा कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था। हमने कहा कि बंद पड़े क्रशर प्लांट में क्या पॉल्यूशन की जरूरत है, 5 साल से बंद पड़ा। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर न्यायालय परिसर में जगह जगह गड्ढे खोदकर छोड़ दिए गए हैं, जिससे आए दिन कोई ना कोई हादसा हो रहा है। जमशेदपुर न्यायालय परिसर में इन दिनों ठेकेदार द्वारा कई स्थानों पर गड्ढे खोदकर छोड़ दिए गए हैं, जिनमें पानी जमा है और आए दिन अधिवक्ता आने जाने के क्रम में गिर रहे हैं। मंगलवार को न्यूज टाइम से बातचीत करते हुए अधिवक्ताओं ने कहा कि बारिश से पूर्व यदि गड्ढे नहीं भरे जाते हैं तो बड़ा हादसा हो सकता है। पार होता है, दूसरा आदमी खड़ा रहता है तब जाके पार, किसी भी तरह की घटना घट सकती है, इसमें कहा नहीं जा सकता। इसलिए हमारा आग्रह है कि कम से कम कोर्ट प्रशासन इस पर ध्यान दे और इस काम को जल्द से जल्द निकाले। आपके सामने नजारा है, पूरा कोर्ट परिसर में गड्ढा खोद करके छोड़ा गया है। इससे महिला अधिवक्ता एक दिन गिर भी गई थी और घायल भी हो गई थी। मैं माननीय जिला जज साहब से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द बरसात के पहले इसका निर्माण करवा दें, नहीं तो बारिश में और बुरा स्थिति होगा और इसमें कैदी भी भागेंगे और उसके बाद आम आदमी भी घायल होंगे। पटमदा में बकाया पैसे को लेकर अपने ही सगे भाई ने बड़े भाई को जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। घटना पटमदा थाना अंतर्गत है, जहां धनंजय कुंभकार को उसके ही सगे भाई ने हथियार से हमला कर घायल कर दिया। पैसों की लेन देन को लेकर दोनों में विवाद चल रहा था। मांगने गया था जोरसा में, तो लोग टांगी तरह धमकी दे रहा, मांगा था। पैसा कितना पैसा मांगा था? 40,000 रुपया दे चुके थे। हाँ, वही वाला पैसा मांगने के लिए तब वो लोग मार।